विजय पार किए बिना तू मेरे मित्र तक नहीं पहुंच सकता, वही मित्र सच्चा मित्र है। जब आपके पास फूटी कोड़ी भी ना बचे तब आपके पीछे पीछे चले, उसका नाम मित्र है। संपत्ति थी, धन थी, खूब लुटा रहे थे उसके ऊपर, तब आगे पीछे घूम रहा था, वो मित्र नहीं है, वो मित्र नहीं है। इसलिए मित्र की बनाओ, खूब बनाओ, परीक्षा जरूर कर लेना एक बार कि ये सच्चा मित्र है कि नहीं है। मुझे बड़े अच्छे से एक घटना बार बार याद आती है, संजू भैया, जिस समय बिनोली निकल रही थी, अबरार भाई से थोड़े दिन पहले ही मेरा झगड़ा हो गया था किसी बात को, चंचल आंटी के नाली वाली को लेकर के थोड़ा सा कुछ वाद विवाद हो गया था। पर जिस दिन बिनोली निकली, 6 महीने हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिस दिन बिनोली निकली, तीसरा चौथा घर उसी व्यक्ति का पड़ा था जो हाथ में माला और अगरबत्ती और दीपक लिए खड़ा हुआ था, मुस्लिम होने पर भी। मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति था, पर उसकी आस्था देखो, उसका विश्वास देखो, लड़ लिया। उस समय मैं तो उसको अपना शत्रु देख रहा था, पर मुझे पता पड़ा न मे शत्रु न च मे प्रिया। कौन शत्रु, किसका शत्रु, कैसा शत्रु। मैं घोड़े पे बैठा बैठा उस समय आंसू बहा रहा था, अखिलेश भैया मैं थोड़ा संवेदनशील व्यक्ति हूँ, मैं मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी में थोड़ा दयालु टाइप का हूँ, भावुक हो जाता हूँ जल्दी में, अभी भी हो गया। मैं घोड़े पे बैठे बैठे आंसू बहा रहा, मैं क्या सोच रहा, ओ 6 महीने से मैं इस व्यक्ति को मेरा शत्रु देख रहा था, 6 महीने से प्लानिंग कर रहा था किसी दिन जगह मिलेगी, इसको जरूर सबक सिखाऊंगा। पर वही व्यक्ति पहला मिला बेचारा, जो हाथ में माला और हाथों में दीपक लिए खड़ा था, उसका पूरा का पूरा परिवार, मैं पत्नी बच्चों के साथ, क्योंकि उसके बेटा हमारा दोस्त था और बच्चियों के साथ भी अच्छे, पहले उनसे अच्छे से रिलेशन थे, पर ऐसे ही होता, वो तो अड़ोसी पड़ोसी से हो जाती किसी न किसी बात को लेकर के। पर बात ये थी, पूरे परिवार के साथ वो आरती उतारने अगरबत्ती लगाने के लिए खड़ा हुआ था, मैं सोच रहा मैं इसको शत्रु देख रहा हूँ, ये तो मेरा परम मित्र है, वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए खड़ा हुआ है। पूरे घोड़े पे बेटा भैया, पूरे पूरे पंचीन नगर में घूमते घूमते मैं केवल एक ही बस एक ही दृश्य के बारे में, मेरी आंखों के सामने केवल एक ही दृश्य झूलता रहा, जिसे शत्रु देख रहा था वो तो मेरा मित्र था। किसे शत्रु देखते हो, किसे शत्रु देखते हो, जिन्हें शत्रु देख, जिन्हें मित्र बना के रखे हो, मित्र बना के रखे हो, आवश्यक नहीं जरूरत पड़ने पर वे तुम्हारा साथ दें। हो सकता है जिसे तुमने शत्रु बना के पूरे जीवन भर देखा है, अंत समय में जब आवश्यकता पड़ी थी वही शत्रु तुम्हारा मित्र बन के खड़ा था, शत्रु बहुत दूर भाग गया था, मित्र बहुत दूर भाग गया था। इसलिए जगत में कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, वही मित्र है जो बुरे वक्त में आपके पीछे खड़ा हो, आपके सामने खड़ा हो, वही मित्र है। और ये व्यवहार की बातें हो गई, निश्चय से न कोई शत्रु न कोई मित्र। मेरा परिणाम मेरा शत्रु है, मेरा परिणाम मेरा मित्र है। और परम शुद्ध निश्चय से ना मेरा कोई शत्रु है ना मेरा कोई मित्र है, मैं तो परम शुद्ध चैतन्य द्रव्य आत्म द्रव्य हूं, बस अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है। प्रहसित को पकड़ा, भागा, प्रहसित ने उसको धैर्य बंधाया, अरे मित्र इतने विवल क्यों होते हो, इतने आकुल व्याकुल क्यों होते हो, पृथ्वी है ही कितनी बड़ी, वैसे तो बहुत बड़ी है, आप लोग शिखर जी जाते हो, अब हम क्या करें भैया, हमसे छोटी कथा हो नहीं पाती है। नहीं महाराज, हमसे बोलते हैं तुम्हें तो कितने भी टाइम दे दो, 2 घंटे बिठा दोगे ना तो भी तुम्हारे लिए कथा छोटी पड़ जाती है, टाइम कम ही पड़ जाता है, कथा बड़ी हो जाती है। हम कहकर हमें याद आ जाती, शिखर जी चढ़ते हैं ना तो कोई से पूछो भैया कितना बचा है, बस वो टोंक दिख रही है, तो धैर्य बंध जाता है, वापस से हिम्मत आ जाती है, अरे ठीक है चल जाएंगे, इतनी सी तो बची, वो दिख रही है, तुम्हें क्या पता, फिर ऐसे घूमना है, फिर ऐसे घूमना है, फिर ऐसे घूमना, फिर मिलेगी, पर टोंक दिख, वो तो दिख रही, बस चढ़ जाता है व्यक्ति। ऐसे ही पृथ्वी है ही कितनी सी, तुम क्यों विलाप करते हो, क्यों चिंता करते हो, इतनी सी पृथ्वी है, हम ढूंढ लेंगे हमारी अंजना को। धैर्य मिला, थोड़ा राहत मिली कि ठीक है मिल जाएगी, आशा मिल गई। पर आशा और निराशा के बीच में बेचारे पूरा दिन भर खोजते रहे, जब कहीं
पूरा नगर खोज मारा। फिर नगर के आसपास के जितने भी वन थे, उद्यान थे, सब खोज मारे, कंदराएं, गुफा सब देख मारी पूरे दिन भर में, कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। शाम को हार थक के बहुत दुखी होकर के पवनंजय, जब वो घर से चले थे तो विमान लेके चले थे, ससुर के यहां आकर उनका एक प्रिय हाथी था, उस हाथी को उन्होंने वहां से विमान वहीं छोड़ा, हाथी को लिया और हाथी को लेकर निकले थे। तो उधर उन्होंने हाथी को बंधन, अब तुम नहीं तो हम प्रश्न जाता, भैया घर से तो विमान में निकले थे, हाथी को कैसे खड़ा कर लिया? तो उन्होंने हाथी को वहीं विश्राम किया, विराम दिया और हाथी से उतरकर एक वृक्ष की छांव में बैठ गए। प्रहसित से कहा, प्रहसित तू घर जा, क्योंकि सभी परिवारजन और सभी हमारे इष्टजन गुरुजन सभी मेरी चिंता में दुबले हो रहे होंगे, सभी चिंता कर रहे होंगे मेरी, इसलिए तू घर जा, उनको समाचार दे कि पवनंजय तब तक घर में प्रवेश नहीं करेगा जब तक अंजनी को साथ नहीं ले आएगा, और यदि अंजना नहीं मिली तो अपने प्राण छोड़ देगा, पुनः नहीं आएगा। बहुत मना किया उसने, बहुत कहा, परंतु भैया राजा है, भले ही मित्र है लेकिन वो राजा है, तो राजा से थोड़ा डर के तो रहनी पड़ता है। सुनो शुभ, भले ही कितनी सरल हृदय हूँ, माता पिता भले ही कितनी सरल हृदय हूँ, अपने को माता पिता की नज़रों के नीचे रहना चाहिए। अच्छे पुत्र का कर्तव्य होता है, अच्छा बच्चा है, वैसे मम्मी कल तारीफ कर रही थी उसकी, अच्छा संस्कारी बच्चा है, बेही बेटे संस्कारी कहलाते हैं, बेही बच्चे सम्मान को प्राप्त होते हैं, बेही बच्चे उन्नति करते हैं, जो बच्चे अपनी माता पिता की नज़रों में बास करते हैं, नज़रों के नीचे रहते हैं, जो अपने माता पिता से नज़र लड़ा के बात करने लग जाते हैं, उन बच्चों का उत्थान वहीं रुक जाता है, वे बच्चे पतन को प्राप्त होते हैं, निश्चित है, निश्चित है। इसलिए माता पिता की कद्र करो, माता पिता के नज़रों में जियोगे, तुम्हारा उत्थान होगा, लोक में तुम्हारा यश फैलेगा। इसलिए मंत्री ने आज्ञा को स्वीकारते हुए प्रहसित भवन की ओर वापस चला गया और हाथी से भी उसने कह दिया, हे मित्र तू मेरा प्रिय है, मैं तुझे अपने मित्र की भांति देखता हूँ, परंतु मेरी बड़ी विडंबना है, तू मेरे साथ कहाँ कहाँ तक घूमेगा, मुझे तो मेरी प्रिया को ढूंढना है, तुझे मैं क्यों कष्ट देता हूँ, इसलिए मैं तुझसे चाहता हूँ कि तू यथा योग्य स्थान पर तू वापस चला जा, अथवा तेरा मन करे तो तू यहीं इस वन में अपने और हाथी झुंड के साथ रह करके, और तू मन चाहे भोगों को भोग, तू सरोवर का पानी का पान, जल का पान कर, तू बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पल्लव हैं, उन पल्लवों का हरी हरी घास है, उसका पान करते हुए तू यहाँ सुख से रहे। परंतु मैंने बोला, सच्चा मित्र लोटे की पैंदी के समान होता है, बुरे समय में मित्र का साथ नहीं छोड़ता, समझ के रखना भैया, नितिन भैया, सच्चा मित्र बुरे समय में अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता। हाथी ने भी अपनी सूंड को नीचे करते हुए, अपनी गर्दन को नीचे करते हुए इस बात का संदेशा दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जब तक आप परेशान हो, जब तक आपके ऊपर पड़ा संकट दूर नहीं हो जाता है, तब तक मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, आपके साथ ही रहूंगा। इधर हारा थका पवनंजय वृक्ष के नीचे विश्राम करने लग गया, और दिन भर का हारा थका था, और दिन भर का क्यों, महीनों महीनों वर्षों का हारा थका था बेचारा, युद्ध लड़ने गया था तब से घूमी फिरी तो रहा, इसलिए वर्षों का हारा थका था, पड़ते ही उसको गहरी नींद आ गई। इधर घर में जब प्रहसित पहुंचे, उन्होंने जाकर संदेशा दिया कि पवनंजय ने ऐसा ऐसा कहा है, सारे ओ माँ अपने
सीने को छातियों को अपनी दोनों हथेलियों से पीटते हुए बहुत तेज रुदन करने लग गई। दोनों आंखों से इतनी लंबी लंबी आंसुओं की धाराएं बहा दी कि वे आंसुओं की धाराएं चरणों को पखारने लग गई। ऐसी आंसुओं की धारा बहाते हुए ते महा ने रुदन करते हुए कहा, हाय हाय, मुझ अभागिनी ने कितना बड़ा पाप कर लिया। बिना परीक्षा किए सती जैसी बेटी को मैंने बन बन भटकने के लिए मजबूर कर दिया। हे मेरे पुत्र, तू कहाँ चला गया अपनी माँ से रूठ करके? तेरा ऐसा जाना उचित नहीं था माँ को छोड़ करके। अब रोने से क्या होता है? कहीं अब तू कितनी भी पछता, तेरे ऊपर कलंक लग चुका है कि तूने अपने ही पुत्र को वनवास दिला दिया। हे माँ, तू कितनी भी विलाप कर, कितनी भी रो, कितनी भी रोदन कर, पर तेरे रोदन करने से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने अपनी बहू को बाहर तूने अपनी ही बहू को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। तूने बहुत बड़ा पाप कर लिया। तेरे माथे पर जीवन भर नहीं, युगों युगों तक के लिए कलंक लग गया। इसलिए कुछ भी करने से पहले सोचा करो इसका फल क्या होगा। पहले परीक्षा करो कि बात में कितनी सत्यता है, तब किसी निर्णय पर पहुंचो। बिना परीक्षा के पुनः तुरंत किसी निर्णय पर मत पहुंचो। क्यों? आपका शंका का निर्णय आपके बसे बसाए घर को बर्बाद कर सकता है। आपका शंका में किया गया निर्णय हरी भरी खेती को नष्ट कर देगा, हरी भरी बगिया के फूलों को उजाड़ देगा। इसलिए पहले शंका नहीं, शंका उत्पन्न भी हो तो मेरा अपना यह मंतव्य है कि यदि कोई शंका उत्पन्न किसी के प्रति होती भी है, पहले उसके साथ बैठ जाओ, उससे बोलो मुझे ऐसी बात आपके बारे में पता पड़ी है, इसमें कितना सत्य है कितना असत्य है आप बताओ, और मैं पूरे भरोसे के साथ सुनूंगा। जो सत्य है उसको कहना, क्योंकि यदि आप सत्य कहोगे गलती होने पर भी मैं आपको क्षमा करने का पुरुषार्थ करूंगा, इसलिए असत्य मत कहना। उसके साथ बैठ के शांति से बात कर लोगे, सत्यता का ज्ञान हो जाएगा, आपका घर, आपका परिवार, समाज बर्बाद होने से बच जाएगा, उजड़ने से बच जाएगा। इसलिए पहले निर्णय करो, पहले सत्य जानो फिर निर्णय करो। सत्य नहीं जाना था, निर्णय कर लिया था। बहू से भी हाथ धो बेटी, बेटे से भी हाथ धो बेटी। विलाप करते हुए, रुदन करते हुए माता पिता दोनों ने तुरंत आदेशित किया कि समस्त वानर वंशी राजाओं को, समस्त राक्षस वंशी राजाओं को यह समाचार दिया जाए, जैसे भी हो जहां भी हो हमारे पवनंजय और अंजनी को खोज करके लाने का काम आपका है। बड़ी बड़ी सेनाओं की टुकड़ियां, बड़े बड़े राजे महाराजे सब पवनंजय और अंजना की खोज में निकल पड़े। कभी इस वन को खोजते हैं, कभी उस वन को खोजते हैं, कभी नदी के तट को भी देखते हैं, तो कभी किसी कंदराओं में, कभी किसी गुफाओं में, तो कभी अनेक अनेक बाग बगीचों में, नाना नाना प्रकार के स्थानों में, नाना नाना नगरों में खोजते खोजते कई दिन व्यतीत हो गए। और आकाश मार्ग से बहुत सारे राक्षस वंशी और विद्याधर वंशी राजे जा रहे थे। उधर यही बात किनको पता लग गई? यही बात पता लग गई उनको अंजनी के मामा प्रतिसूर्य को पता लग गई कि पवनंजय आए थे और उन्होंने ऐसा नियम कर लिया। अब चर्चा जब चलती हैं तो आप लोगों के पास भी एक बात ये है ना, टेलीग्राम, कहीं से कहीं दुनिया में कहीं बात पहुंचाना हो, एक महिला कान में डाल दो और उनको बोल दो, बहन हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम कोई को मत बताइयो। रात पूरे छीपी टोला को पता लगे, पूरे आगरा नगर को पता लग जाएगा, क्या बात है। और सब कहेंगे ये कई बात कि देखो हमें बात पता लगी, तुम हमारी परम सहेली हो ना, इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं, कोई को कहियो मत। पूरे आगरा में दूसरे दिन सुबह पूरे आगरा में हल्ला हो गया। ऐसे ही जब इतनी बड़ी घटना घट गई, पवनंजय बहुत बहुत उत्कट योद्धा थे और सभी के राजाओं के सुरमौर्य थे। जब इतनी बड़ी घटना घट गई तो फिर पता तो पड़ ही जाता है। उड़ती उड़ती खबरें ऐसे पहुंचते पहुंचते प्रतिसूर्य के पास भी पहुंच गई। वहां भी
उन्होंने जब इस बात को जाना, उधर अंजनी को बताया, पवनंजय ऐसा नियम लेकर के वन वन में तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं। वो बेचारी तो सोच करके, हाय मेरा दुर्भाग्य, मेरा फूटा भाग्य, कैसा पाप करके आई हूं मैं, जहां से देखो वहां से हताश निराशा ही निराशा मिलती है, कहीं से भी आशा की एक किरण भी दिखाई नहीं देती है। पति युद्ध में विजय होकर आ गया तो समागम होने से पहले ही बिछुड़ गया, मिलने से पहले पुनः बिछुड़ गया, कहां खोजेंगे अब। हे नाथ, आपने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों कर ली, ऐसी प्रतिज्ञा करके आपने पुनः अपने आप को मुझसे कहां खो दिया है, अब मैं कहां तुम्हें ढूंढूंगी, ऐसा रुदन करती बिलाप करती करती और वो भी मूर्छित होकर गिर पड़ी। हनुमान छोटे से नहीं बचे, अब हम बड़े हो गए हैं, हनुमान अब तक युवराज हो चुके हैं। अब तो हम बता रहे हैं कहानी, इसलिए कल उत्पन्न किया था, आज युवराज करा दिया। इस घटना को समय बीतते बीतते वर्षों वर्ष निकल चुके थे, हनुमान अब तक युवावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने तुरंत ही जल्दी से शीतल जल मंगाया, केस चंदन का जल मंगा करके, और चंदन के जल से अपनी माँ का सिंचन किया, उससे उनकी उनकी जो तंद्रा थी, उनका जो मुद्रा मूर्छा, जो मूर्छा थी वो उनकी मूर्छा दूर हुई। तब गाढ़ आलिंगन देते हुए उन्होंने अपनी माँ को कहा, सांत्वना दिलाई कि माँ तुम चिंता क्यों करती हो, विश्व इतना बड़ा नहीं है, मैं अवश्य पिताजी को ढूंढ कर लेकर आऊँगा। ऐसा कहते हुए और जैसे ही वह जाने के लिए उद्यत हुआ, तुरंत मामा ने रोक लिया, बेटा तुम्हें अपनी माँ को संभालना है, तुम्हें यहाँ पर राजभार देखना है, और हम तुम्हारे पिताजी को यानी अंजनी को, पति को हम सभी लोग ढूंढ के लाएंगे। वो बड़े बड़े राजे महाराजाओं के साथ वह प्रीति सूर्य भी उन पवनंजय को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बताओ पूरे पूरे ब्रह्मांड में हल्ला मच गया, पूरी विद्याधरों की नगरियाँ एक ही काम में लग गई। पुण्य आत्मा जीव होता है तो ऐसे ही होता है, सब अपने अपने काम छोड़ करके उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। पाप आत्मा जीव होता है तो सिक्के भी बांटे सोने के तो भी लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। ये सारा पुण्य पाप का खेल जगत में चल रहा है। कमाओ, कम से कम कुछ कमाओ, दुकानदारी मत चलाते रहो, कमाओ तो कम से कम ऐसा पुण्य कमाओ, भगवान की भक्ति ऐसी करो जिससे ऐसा पुण्य इकट्ठा हो, कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो पुण्य इकट्ठा कर लो कि आपके पीछे 25-50 खड़े हो जाएं, इतनी पुण्य तो इकट्ठा कर लो। हालांकि वो काम का नहीं है, बेकार है, वो सब तो नष्ट हो जाता है। सभी लोग बड़ी चिंतातुर होकर के पवनंजय को खोज रहे थे, तभी आकाश मार्ग से विमान से जाते हुए सारे विद्याधरवंशी, जो वानरवंशी और राक्षसवंशी योद्धा थे, वो आकाश मार्ग से खोजते खोजते चले जा रहे थे, कभी समुद्र के तट तो कभी नदी के तट आदि आदि को देखते जब चले जा रहे थे, उनको वह हाथी दिखाई दे गया। पवनंजय तो सो रहे थे वृक्ष के नीचे, पर पास में ही खड़ा हुआ वह हाथी जो सुंदर वृक्ष के पल्लवों को चुन चुन कर अपने मुख का ग्रास बना रहा था, अपनी क्षुधा वेदनी की पूर्ति कर रहा था, ऐसा वह विशाल काय श्वेत हस्ती वहां पर दिखाई दे गया। सभी ने जान लिया, अरे ये तो पवनंजय का हस्ती है। तुरंत ही उन्होंने अपना विमान, निश्चित ही पवनंजय यहीं पर होंगे, विमान नीचे उतारा, और जैसे ही विमान नीचे उतारा, पवनंजय को देखकर गदगद हो गए, हर्षित हो गए, हो जिसकी खोज कर रहे थे, महीनों महीनों बीत गए जिसकी खोज में, आज मिल गया। और इधर जैसे ही पवनंजय की निद्रा खुली, तुरंत ही उन्होंने देखा, उन्होंने कह दिया, मौन धारण कर लिया, इशारे से ही कह दिया, मेरा नियम है कि जब तक अंजना नहीं मिल जाएगी मैं भवन में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं यहीं पड़ा रहूंगा, यहां बैठे बैठे मैं अपना दम तोड़ दूंगा, लेकिन मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। जब तक आपस में मान मनौवा चल रहे थे, अरे चलो मिल जाएगी अंजना, ऐसा वैसा, ये सब बातें जब तक चल रही थी, तब तक खोजते खोजते वहां से प्रतिशूरी भी उनको सब भीड़ भड़ाका दिख गया, क्या शोरगुल है, क्या हो रहा है, और वहां से प्रतिशूरी ने भी देख लिया, उन्होंने भी अपना विमान नीचे उतारा, और देख करके पवनंजय को देख करके हर्षित हो गए। तब उन्होंने निवेदन किया,
कि हे पवनंजय तुम चिंता को नष्ट करो और चिंता नष्ट करके तुम चलो, अंजनी से तुम्हारा सगामागम का समय आ गया है और आपको भी घर जाने का समय आ गया है। हमने सोचा तो था आज कहानी पूरी कर देंगे, पर सोचने से क्या होता है, होता तो वही है जो होता है। नमो रियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याणम नमो उज्जाणम नमो लोय सब साहूणम।